जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन ज्ञान सेवा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम जब भी आते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक और नई वीडियो आपके साथ साझा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कैनन की, जो हमने अभी मशीन ली थी कैनन की IR2224N, जो कि आपने हमें पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आज उसी के से प्रेरित होकर आज हम आपको एक और नई वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं। कई लोगों के इसमें कमेंट आ रहे थे कि सर, इसकी जो सेटिंग है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दीजिए, इसमें जो डुप्लेक्स है, आईडी कार्ड है, वो कैसे प्रिंट करते हैं, तो उसकी जानकारी हम आज आपको देंगे। और इसमें जो पेपर जाम हो जाता है या पेपर ट्रे, कई सारी समस्याएँ भी होती हैं इसमें, तो उसके लिए हम आपको एक छोटे से वीडियो से माध्यम से इसमें पूरी जानकारी देंगे। हालांकि एक नंबर मशीन है, इसमें कोई भी समस्या नहीं आती है हाल फिलहाल। अगर कुछ समय के बाद अगर आती है तो वो आगे की हम कुछ भी समस्या आती है तो वो हम आपको आगे बताएंगे। अभी तो मेरा नया मशीन है, अभी तक इसमें हमने कितनी कॉपी कर ली है वो भी पूरी डिटेल बताएँगे। आप बस हमारे वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये हमारा कैनन का जो मशीन है उसका जो पूरा टच पैड है, इसमें आप देख सकते हैं कि आप इसमें 1 से लेके 0 तक इसमें जो नंबर दिए गए हैं, इससे आप 1 कॉपी से लेके 10,000 कॉपी तक एक बार में आप निकाल सकते हैं। और वहीं अगर हम इसके पेपर सेटिंग की बात करें तो ऊपर ही इसमें ऑप्शन दिया गया है पेपर सेटिंग के लिए, तो आप यहाँ पर डिस्प्ले में देख सकते हैं पेपर पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो इसमें पेपर मल्टीपल पर्पस ट्रे आ रहा है और ड्रॉ वन रजिस्टर कस्टमर पेपर या सिलेक्ट प्रूफ। अगर हम इसको बैक करके देखें तो सेकंड नंबर पर आता है इसमें आईडी कार्ड। इसको अभी हम बैक करेंगे, बैक करने के बाद इसमें ऑप्शन आ रहा है आईडी कार्ड। आईडी कार्ड में क्या होता है, जो भी अपन आधार कार्ड निकालते हैं उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन इसमें ऑप्शन दिया गया है। आपको इसमें बार बार आधार कार्ड को पलट के पेपर को नहीं रखना होता, इसमें एक बार ही में ही आईडी कार्ड कॉपी को दबाने से इसमें दोनों साइड पेपर जो है निकल के आ जाता है। वो हम आपको एक थोड़े डेमो के माध्यम से समझाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए ये किसी का आधार कार्ड है और हमें इसे डुप्लेक्स में निकालना है, तो डुप्लेक्स में कैसे निकालेंगे इसको दोनों साइड के लिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम इस आधार कार्ड को यहाँ पर प्रेस करेंगे, थोड़ा इसको और आगे प्रेस करेंगे जिससे कि वो बीचा बीच में आ जाए। जैसे ही हम इसको रखेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पर इसमें ये जो स्टार्ट का बटन है इसको हम ओनली प्रेस करेंगे। जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये स्कैन करना स्टार्ट कर दिया है। ये जो प्रोसेस डाटा आ रहा है तो ये जब ब्लिंक करता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये अभी स्कैन कर रहा है मशीन। उसके बाद हम ये दूसरी जो कॉपी है इसको भी पलट के रख देंगे फ्रंट बैक साइड को, और उसके बाद फिर से हम एक बार इसको स्कैन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम स्कैन पर क्लिक करेंगे तो ये जो है स्कैन करके ये ऑटोमेटिक है, ये मशीन स्टार्ट हो गया है। और आप देख सकते हैं ये डुप्लेक्स हमें निकाल के देने वाला है और ये एक बार में ही इसने दोनों साइड की कॉपी निकाल के दे दी। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी देता है ये मशीन, की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। आप अगर इसको लेंगे तो आप भी बोलोगे कि क्या इसकी बेहतरीन क्वालिटी है। मैं तो बराबर यूज कर रहा हूँ। और उसके अलावा और भी कई फंक्शन के बारे में बात करें तो इसमें हम बैक में आते हैं। बैक आने के बाद फिर इसमें आता है कॉपी। कॉपी के ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, कॉपी में इसमें रेजुलेशन है जो फर्स्ट 100% है और ये बता रहा है कि आपका जो इसका जो कॉपी रेशियो है वो 100 है और A4 इसमें पेपर सेलेक्ट है। डेंसिटी में आप इसकी जो लाइट है पेपर के लिए कम डार्क और ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे हम कम से कम चलाते हैं जिससे कि इसकी जो कॉस्ट है वो कम पड़े हमें। जैसे मान लीजिए 4 पे भी अगर आप करोगे तो भी इसकी जो लाइट में थोड़ा आएगा, लेकिन उसमें जो भी एक भी मतलब जो टेक्स्ट है वो कटेगा नहीं। उसके बाद है ओरिजिनल टाइप टेक्स्ट फोटो, यही रहने दें। उसके बाद डुप्लेक्स ऑन ऑफ, इस मशीन में बहुत ही अच्छी फीचर है डुप्लेक्स का है। आपको बार बार पेपर को भी पलटने का सिस्टम नहीं है,
आप इसमें ओनली ये डुप्लेक्स है जो वन और टू साइड, जैसे ही इसको ओके करेंगे तो ये डुप्लेक्स टू साइड, वन और टू साइड ओपन हो जाता है। इससे आप जैसे ही इसको ओपन कर देते हैं तो आपकी चाहे 500 कॉपी हो या 1000 कॉपी हो या 200 कॉपी हो, एक बार में ही जैसे ही इसको डुप्लेक्स को ओपन कर देते हैं। और यहाँ पर उसके बाद इसमें कॉपियाँ सेलेक्ट करना होता है, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे हमें 10 कॉपियाँ निकालना है तो हम 10 सेलेक्ट करेंगे, 10 को जैसे ही क्लिक करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे ये पेज है हम इसको यूँ करके A4 में रखेंगे। A4 में रखने के बाद यहाँ पर इसको हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये पूछेगा कौन सा पेज साइज है, हम A4 को सिलेक्ट करेंगे। A4 को सिलेक्ट करने के बाद ये प्रोसेस लेता है, यानी कि ये स्कैन करने लगा। स्कैन होने के बाद हम इसको अब फ्रंट साइड को इस पे रखेंगे। फ्रंट साइड को रखने के बाद फिर से हम इसको एक बार स्टार्ट करेंगे, यानी कि इसको स्कैन करेंगे, यानी कि बैक साइड को स्कैन करने के बाद ये आप रेडी हो गया है दोनों साइड के लिए। अब जैसे ही हम इस पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो हमने 10 कॉपियां दी हैं वो 10 की 10 कॉपियां एक बार में बाहर आ जाएंगी। ये इसका डुप्लेक्स का बहुत ही बेहतरीन कमाल है। और इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें, इसमें जो A3 पेज है वो कहाँ से इन्हें इसमें अपन डालते हैं, तो उसके लिए इसमें बैक इसके जो लेफ़्ट साइड में ऑप्शन दिया गया है, इसमें ये आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिया गया है, इसको थोड़ा सा हल्के से खींचना होता है, उसके बाद इसका जो बैक A3 के लिए जो है ट्रे ओपन हो जाता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो ट्रे ओपन हो जाएगा और इसके में आप पेपर को एडजस्ट करके रख सकते हैं। इसमें A4 से लेके इसमें आप देख सकते हैं B5, A4 लीगल और B4, B5 और A3 तक आप इसमें पेपर को यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसमें कम से कम आप एक बार में कम से कम नहीं तो 50 पेज तक करीब रख सकते हैं। और इसमें A3 के लिए यह ट्रे अलग से दिया गया है जो कि बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था की गई है इस मशीन में। और अगर हम इसमें बात करें कि इसमें जो पेपर है वो जाम हो जाता है, कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि अगर इसमें पेपर जाम होता है तो कहाँ से निकालते हैं। अगर हमारा इस मशीन में पेपर जाम हो जाता है तो पेपर को कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो एक बटन दिया गया है, इस बटन को जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो इसका जो बॉक्स है वो ओपन हो जाता है। और इसमें मशीन में भी मैसेज आ गया है, देखिए क्लोज द लेफ्ट कवर, लेफ्ट साइड में जो दिया गया है उसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ये मशीन का जो लेफ़्ट साइड में जो है ओपन हो गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इसमें जो डुप्लेक्स दिया गया है, ये इसमें डुप्लेक्स लगा हुआ है मशीन में, यही से पेपर को ये निकाल के डुप्लेक्स में कन्वर्ट कर देता है। और पेपर यहाँ पर भी फंसता है वो इसी में फंसता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर कोई भी अगर अब की बार पेपर फंसता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें से कैसे निकालते हैं और इसको कैसे क्लीन करते हैं। और वहीं अगर हम इसके आगे बात करें, इसमें जो टोनर है वो टोनर कहाँ से निकाला जाता है, तो टोनर के लिए आप इसमें जो फर्स्ट में दिया गया है इसको थोड़ा सा लाइट खींचेंगे, तो इसमें जैसे ही इसको खींचेंगे तो इसमें जो ये जो है इसमें आप देख सकते हैं ये टोनर है। ये टोनर को कैसे खींचना है, इसमें जो आप चिन्ह देख सकते हैं इसमें जो इसको दबा के इस साइड को खींचेंगे तो ये टोनर बाहर आ जाएगा। और इसको रिफ़िल कैसे करना है, उसके लिए अगर हमारा कभी ख़त्म होता है तो हम इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बना देंगे, इसको जो रिफ़िल है वो कैसे करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और वहीं इसके हम ड्रम की यूनिट की बात करें तो ड्रम इसके जो अंदर है उसको यहाँ से निकाला जाता है, इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तो ड्रम हमारा बाहर आ जाएगा। और अगर हम इसकी मशीन के बारे में थोड़ी और बात करें तो इसमें पावर ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है, यहाँ से आप मशीन को चालू बंद कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पे लाइन केबल दिया गया है और USB केबल दिया गया है, यहाँ पर आप नेट से कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप USB केबल को लगाकर चालू
डाटा को मतलब प्रिंट को दे सकते हैं। ये एक पूरा मशीन का थोड़ा सा वीडियो हमने आपको बना के दिया है। अगर इससे संबंधित इसमें कोई भी और भी सेटिंग की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आपको पूरी सहायता करेंगे। और हाँ, इसमें थोड़ी और हम एक बात करें, अगर इसमें टोटल काउंट की बात करें, हमने मशीन में टोटल कितने प्रिंट निकाले हैं, तो उसके लिए मशीन के जो बाजू में यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा एक बटन दिया गया है, हम इसको जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर मशीन में आप देख सकते हैं चेक काउंटर में आप देख सकते हैं टोटल वन, टोटल लार्ग, टोटल लीगल, ये करके पूरा मैसेज आ जाता है। तो आप हमको जैसे पूरी टोटल अभी तक कितनी कॉपी की है, तो उसकी जानकारी के लिए यहाँ पर हम टोटल वन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी मशीन में जितने भी अभी तक प्रिंट निकाले हैं वो हमें बता देगी। जैसे कि अभी हमारे प्रिंट अभी 15,034 प्रिंट हमने इस मशीन से निकाल लिए हैं। अभी तक इसमें कोई भी सिंगल भी जरा सी भी मशीन में कोई भी समस्या नहीं देखने को मिली है हमें, और ना ही शायद आगे मिलेगी, क्योंकि कैनन का ब्रांड है, एक बेहतरीन ब्रांड है। और हमारा मानना है कि आप अगर कोई भी मशीन लें तो ऐसा मशीन लें जो कि ब्रांडेड हो, इसका सर्विस अच्छा हो और हमें आगे इसमें कोई भी समस्या ना हो। दोस्तों ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और इसमें अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है, अगर आपको कोई भी सेटिंग नहीं समझ में आती है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने में हमें काफ़ी समय लगता है, तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके ही लोग जैसे लोगों की वजह से हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।